हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कौन से भी डिवाइस में विदाउट पीसी के पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं विद सम इजी स्टेप्स। मैं यहाँ पे अपने डिवाइस को रिकवरी मोड पे बूट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से रिकवरी इंस्टॉल्ड है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डिवाइस में MIUI की रिकवरी इंस्टॉल्ड है। तो थोड़ी देर में अपन यहाँ पे पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में, और इस वीडियो में अपन कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करने वाले। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करो वीडियो का, नहीं तो आपको एरर्स मिल सकते हैं। पिक्सल एक्सपीरियंस अगर आप कौन से भी दूसरे रिकवरी से इंस्टॉल करें तो आपको बग्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, फोन में बग्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ऑफिशियल मेथड ही सही रहता है अपने डिवाइस में पिक्सल एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करने का, जो कि पिक्सल रिकवरी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल रिकवरी से आप पिक्सल एक्सपीरियंस को रॉम कैसे फ्लैश कर सकते हैं। ऑफिशियल मेथड ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और पिक्सल रिकवरी से पिक्सल रॉम फ्लैश कर देने से आपका पिक्सल एक्सपीरियंस का रॉम बहुत स्मूथली वर्क करता, कोई भी आपको बग देखने को नहीं मिलता। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों भी डिवाइस को इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। ये है मेरा पोको X3 NFC, इसमें अपन पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे, और ये है मेरा Redmi Note 9 Pro Max जिसको मैं एज ए PC यूज करूंगा इस वाले डिवाइस में पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए। तो क्लियर है, दोनों भी डिवाइस को अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपको दो चीज मेक श्योर करना है, जिसमें आप पिक्सल रिकवरी इंस्टॉल करें उस डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक रहना चाहिए। अब बूट लोडर क्या रहता है, कैसे अनलॉक करते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, देख लेना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे आप सेटिंग पे आ जाओ, यहाँ पे अबाउट फोन पे टैप करो, यहाँ पे MIUI वर्जन पे आप 3-4 बार टैप कर दो तो डेवलपर ऑप्शन इधर इनेबल हो जाता। बैक आएंगे अपन और यहाँ पे अपन एडिशनल सेटिंग्स पे चलेंगे, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे अपन आ जाएंगे और इधर मी अनलॉक स्टेटस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे टैप करेंगे तो देख सकते हैं बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक भी है। दी डिवाइस इज अनलॉक, तो इसका बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जो आप PC डिवाइस यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉइड 12 प्लस रहना चाहिए, मतलब एंड्रॉइड 12 13 14 कौन सा भी चलता है, लेकिन एंड्रॉइड 11 10 नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ट्रिक वर्क नहीं करती। इतना सब कुछ मिक्सर करने के बाद यहाँ पे आप अपने डिवाइस में इजीली पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल कर ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने इस वाली डिवाइस की पिक्सल रिकवरी को डाउनलोड करना पड़ता है। वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पिक्सल रिकवरी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपके डिवाइस के सपोर्टेड। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे पिक्सल एक्सपीरियंस। सर्च कर देंगे अपन तो यहाँ पे देख सकते पिक्सल एक्सपीरियंस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, तो इसको अपन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने डिवाइस का नाम सर्च कर लेना। मैं अभी डिवाइस का नाम सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा डिवाइस, तो यहाँ पे अपन चलेंगे। थोड़ी देर आपको वेट करना है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज लोड हो जाता था। यहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 14 13 13 प्लस एडिशन 12 प्लस एडिशन, तो यहाँ पे आप कौन सा भी अपडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड 13 सेलेक्ट कर लेंगे अपन, तो यहाँ पे डाउनलोड्स का सेक्शन आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिकवरी इधर आपको मिल जा रही है, देख सकते हैं डाउनलोड रिकवरी इमेज 120 MB की रिकवरी इमेज रहती है, तो इसको आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। अपन यहाँ पे कस्टम रोम को भी डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड बिल्ड 1.89 GB, तो यहाँ से आप कस्टम रोम को भी डाउनलोड कर ले सकते हैं। और पिक्सल रिकवरी डाउनलोड करने के बाद आपको अपने PC डिवाइस में इसको पेस्ट कर देना है, इसको कौन से भी फोल्डर में मत रखना, इसको इंटरनल स्टोरेज के होम पेज पे रखना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने इस वाले डिवाइस इसकी पिक्सल रिकवरी डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे, और ये IMG फॉर्मेट में रहना चाहिए। कभी कभी रिकवरी आपको ZIP फॉर्मेट में मिलती है, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, वो उसमें से IMG फाइल मिल जाती। तो यहाँ पे देख सकते हैं IMG फाइल है और इसको मैंने कौन से भी फोल्डर में नहीं रखा है। तो यहाँ पे अपन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपने इस वाले डिवाइस को साइड में रखना पड़ता है जिसमें अपन पिक्सल रिकवरी इंस्टॉल करें, इसको अपन साइड में रख देंगे। यहाँ पे आपको अपने PC डिवाइस पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको प्ले स्टोर पे चलना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बग जिगर, देख सकते हैं एप्लीकेशन है बग जिगर एप्लीकेशन, इसको आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। इसकी से अपन यहाँ पे अपने डिवाइस में पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन ADB कमांड्स को रन करने में हेल्प करता, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे चलना है और अबाउट फोन पे टैप करना है, यहाँ पे MIUI वर्जन पे आपको 3-4 बार टैप कर देना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता। यहाँ पे अपन बैग आ जाएंगे और इधर अपन एडिशनल सेटिंग्स पे चलेंगे और इधर डेवलपर ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे आपको USB डिबगिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता, तो इसको आप इनेबल कर देना याद से, इसको याद से इनेबल कर देना, अगर इनेबल नहीं रहेगा तो आपका कौन सा भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जिस डिवाइस में आप पिक्सल रिकवरी को इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें भी आपको यहाँ पे USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पे जल्दी से ऑन कर लेता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों भी डिवाइसेस में USB डिबगिंग इनेबल है। तो इधर मैं होम पे आ जाता हूँ, इसको अपन साइड में रख देंगे और यहाँ पे मैं बग जिगर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन सारे परमिशंस को अलाउ कर देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाता बग जिगर एप्लीकेशन का। तो ये डिवाइस को इधर मैं ले के आता हूँ और अब आपको यहाँ पे अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है इस वाले डिवाइस से। तो इसके लिए यहाँ पे आपको USB ODG की नीड पड़ती, देख सकते हैं यहाँ पे Type-C टू USB ODG, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन परचेस मत करो, आप अपने कौन से भी खरीदी
मोबाइल स्टोर से इसको परचेज करूँ, सस्ते में मिल जाता, 50 रुपीज़ का ही मिल जाता, मेरे को भी 50 रुपीज़ में मिला। और आपको नीड पड़ती है यहाँ पे यूएसबी केबल की, देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी टू यूएसबी यूएसबी केबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप ओरिजिनल केबल यूज करो, कोई सा भी थर्ड पार्टी केबल आप यूज मत करो, जो चार्जर के साथ ओरिजिनल यूएसबी केबल आता उसी को यहाँ पे आप यूज करो। तो यहाँ पे अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और ये जो यूएसबी ओटीजी केबल है आपको अपने पीसी डिवाइस में इंसर्ट करना है, इस वाले डिवाइस में मत करना जिसमें आप पिक्सल रिकवरी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी ओटीजी केबल मैंने पीसी डिवाइस में इंसर्ट कर लिया है और टाइप सी अपन जिसमें पिक्सल रिकवरी इंस्टॉल करे वहाँ पे अपन इसको कनेक्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे अपने दोनों भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अपने को इस वाले डिवाइस को फास्ट बूट मोड पे लेके जाना पड़ता, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर लो, देख सकते हैं पावर ऑफ हो चुका है। यहाँ पे अपन वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखेंगे, थोड़ी देर आप यहाँ पे प्रेस करके रखो, जैसा आपका डिवाइस यहाँ पे ओपन होता तो यहाँ पे आप पावर बटन को रिलीज कर दो। देख सकते हैं यहाँ पे अपन फास्ट बूट मोड पे आ चुके हैं और पबजी का ऐप में देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पे इसको आप अलाउ कर देना। और देख सकते हैं यहाँ पे डेफ कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, डेफ यूएसबी 0021, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अपना डिवाइस इसने सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया है, मतलब अपना डिवाइस यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप पबजी के एप्लीकेशन में आ जाओ, यहाँ पे अपन इधर स्वाइप करेंगे, एट द एंड आपको यहाँ पे बिजली का आइकॉन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं बिजली का आइकॉन है, तो इस पे अपन टैप करेंगे और यहाँ पे अपन ये कोड वाले बटन पे टैप कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फास्ट बूट सेल ओपन हो जाता, तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता। कमांड्स मैं यहाँ पे साइड में लिख के डाल दे रहा हूँ जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, आप भी कमांड्स अच्छे से टाइप करना, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स अच्छे से देख के डालना। तो यहाँ पे अपन पहला कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे अपन टाइप कर देता हूँ फास्ट बूट, स्पेस देकर यहाँ पे मैं डिवाइसेस टाइप कर देता हूँ, देख सकते हैं ये फास्ट बूट डिवाइसेस, तो इतना टाइप करके मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर शो कर रहा है C559F558 फास्ट बूट, तो इसने अपने इस वाले डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया है, यहाँ पे सीरियल नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इस वाले डिवाइस को इसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर आपके इसमें सीरियल नंबर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है, आपको सबसे पहले डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता तभी ये सीरियल नंबर शो करता। अब यहाँ पे सीरियल नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे अपन अपने दूसरे कमांड पे चलेंगे। अब अपन यहाँ पे पिक्सल रिकवरी को इसमें इंस्टॉल करेंगे, मतलब फ्लैश करेंगे, तो यहाँ पे कमांड है फास्ट बूट टाइप करो आप, स्पेस देके फ्लैश एंड स्पेस देके रिकवरी आप टाइप कर दो, स्पेस दो और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आइकॉन दिख जाता अटैचमेंट का, तो इस पे आप टैप करो और यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर दो। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज का, यहाँ पे होम पेज पे आपको पिक्सल एक्सपीरियंस का जो रिकवरी फाइल अपन ने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे है, तो इस पे अपन टैप कर देंगे। देख सकते हैं इसने सेलेक्ट कर लिया है जो पिक्सल एक्सपीरियंस की रिकवरी फाइल है, इमेज फाइल उसने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे अपन प्ले वाले बटन पे टैप कर देंगे, तो यहाँ पे रिकवरी फ्लैश होना स्टार्ट हो जाती है, देख सकते हैं सेंडिंग रिकवरी और थोड़ी देर टाइम लगता है राइटिंग रिकवरी, ओके फिनिश्ड, टोटल टाइम 8.01 सेकंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अपने डिवाइस में पिक्सल रिकवरी सक्सेसफुली फ्लैश हो गई। यहाँ पे आपको लास्ट एंड फाइनल कमांड एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फास्ट बूट, स्पेस देकर यहाँ पे मैं बूट टाइप कर देता हूँ और वापिस से अपन यहाँ पे पिक्सल रिकवरी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपन कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। देख सकते हैं सेंडिंग बूट डॉट आईएनजी कमांड करता है, बोले तो आपके डिवाइस को ऑटोमेटिक पिक्सल रिकवरी में बूट कर देता। थोड़ी देर आपको वेट करना है, देख सकते हैं अपना दूसरा डिवाइस यहाँ पे बूट हो रहा है और यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और अपने दूसरे डिवाइस में पिक्सल एक्सपीरियंस रिकवरी सक्सेसफुली फ्लैश हो गई। तो ऐसा आप कौन से भी डिवाइस में पिक्सल एक्सपीरियंस रिकवरी को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पीसी डिवाइस का काम भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसको अपन हटा देंगे इधर से, साइड में रख देंगे अपन इसको, और देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्सल रिकवरी अपने डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। पिक्सल रिकवरी तो अपन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए, अब अपन इस पे पिक्सल रिकवरी की मदद से पिक्सल रोम को अपने इस वाले डिवाइस में फ्लैश करेंगे। मैं यहाँ पे विदाउट पीसी के भी पबजीगर एप्लीकेशन की मदद से रोम फ्लैश करके देखा लेकिन वर्क नहीं कर रहा था, अपने डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो आप विदाउट पीसी के यहाँ पे पिक्सल रिकवरी से पिक्सल रोम को फ्लैश नहीं कर सकते, आपको पीसी चाहिए ही, पीसी की मदद से आप यहाँ पे पिक्सल रोम को फ्लैश कर सकते। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता अपने इस वाले डिवाइस को, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे मैं चलता हूँ। अगर आपका टच काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे बटन्स को यूज कर सकते, फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट एंड देन फॉर्मेट डेटा, डेटा यहाँ पे वाइप हो चुका है। बैक आ जाएंगे अपन और यहाँ पे अपन अप्लाई अपडेट पे टाइप कर देंगे, अप्लाई एडीबी पे अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो देख सकते हैं एडीबी साइड लोड पे अपना डिवाइस आ जाता। तो यहाँ पे अपन चलेंगे अपने पीसी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दो फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता, एक है अपना प्लेटफॉर्म टूल्स और एक है अपना पिक्सल एक्सपीरियंस का कस्टम रोम फाइल। और ये जो पिक्सल एक्सपीरियंस की कस्टम रोम वाली फाइल है ये सिर्फ मेरे डिवाइस में वर्क करती है, मेरा डिवाइस यहाँ पे पोको X3 है, आप अपने डिवाइस का कस्टम रोम डाउनलोड कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देख सकते हैं मैंने प्लेटफॉर्म टूल्स को ट्रैक कर लिया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन इस वाले फोल्डर पे भी आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार आपको मिलता, देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार है, इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे मैं CMD टाइप करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट है ओपन हो जाता। यहाँ पे अपन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे ADB
साइड लोड स्पेस देंगे अपन, इसको मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे इसको साइड में ले लेता हूँ मैं। जो पिक्सल एक्सपीरियंस का जो फालतू ड्रॉम है उसको यहाँ से अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देख सकते हैं कुछ जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, और अपन एंटर करेंगे इधर। देख सकते हैं फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, डेमो स्टार्टेड सक्सेसफुली। और अपनी पिक्सल रिकवरी में आप देख सकते हैं फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ टाइम लगता है इसको फ्लैश होने में, तो आप यहाँ पे अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट मत करना। और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आप देख सकते हैं परसेंटेज भी शो कर रहा है, 1% 2% यहाँ पे शो कर रहा है। तो टाइम तो लगता है इसको फ्लैश होने में, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लेना। वीडियो को मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अपन यहाँ पे पिक्सल रिकवरी पे चेक करेंगे तो देख सकते हैं इंस्टॉल कंप्लीट विद जीरो स्टेटस। तो अपना इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। अब आप यहाँ पे अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप फैक्ट्री रीसेट कर लेना। यहाँ चलेंगे अपन फॉर्मेटेड अप फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे फॉर्मेटेड कर देंगे। अब आप यहाँ पे अपने डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस का बूट एनिमेशन आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि ये बूट होता है या नहीं, तो साइड में रख देंगे अपन। तो देख सकते हैं अपना डिवाइस यहाँ पे सेटअप हो चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने डिवाइस को सेटअप कर लिया है, और पिक्सल एक्सपीरियंस का रॉम यहाँ पे सक्सेसफुली बूट हो चुका है। अब आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं।